आपने इन बिल्लियों को तो देखा होगा, अक्सर ये आपको दुकानों, ऑफिस या घरों में मिल जाएंगी। लकी चार्म से मशहूर ये कैट गुड लक का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन क्यों कहते हैं इसे लकी चार्म, और ये अपने दाहिने हाथ का पंजा उठा के हमें किस बात का संकेत देती है, इन सब बात का जवाब मिलेगा आपको। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी रोचक जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है जापान के टोक्यो में स्थित गोटोकुजी की। जब 15वीं शताब्दी में हुई एक घटना ने बिल्ली के प्रति लगाव को बढ़ाया। उस वक्त इस मंदिर के पुजारी के पास तामा नाम की एक बिल्ली थी। वह बिल्ली ज़्यादातर अपना समय उसी मंदिर में बिताया करती थी। उसी समय कुछ समुराय पेड़ के नीचे बैठकर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एक दिन मंदिर से बाहर निकलने के दौरान बिल्ली ने मंदिर के बाहर ही खड़े एक शक्तिशाली समुराय को अपना दाहिना पंजा उठाते हुए मंदिर के परिसर से अंदर बुलाया। समुराय के मंदिर में प्रवेश करने के कुछ क्षण बाद ही तूफान आया और जिस पेड़ के नीचे पहले वो समुराय खड़ा था वो गिर पड़ा। ये देख वहाँ खड़ा हर शख्स हैरान रह गया। इस तरह से पुजारी की बिल्ली ने समुराय की जान बचाई। कहते हैं जब उस बिल्ली की मृत्यु हुई तो उसकी एक मूर्ति बनाई गई। उसी बिल्ली को आज जापान सहित एशिया के कई हिस्सों में गुड लक के रूप में माना जाता है। समय के साथ मंदिर में एक पंजा ऊपर किए स्थापित इन बिल्लियों की मूर्तियों की संख्या आज के समय में 10,000 के करीब है। जापानी संस्कृतियों में इन बिल्लियों को भाग्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आज ये मंदिर टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इसके लिए कई गाड़ियाँ, कई ट्रेनें भी चलाई गई हैं। यहाँ का शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही गुड लक की कहानी चीन से भी सुनने को मिलती है, लेकिन जापान संस्कृति में इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता प्राप्त है। शायद यही वजह है इस बिल्ली के पॉपुलर होने की, जो आज ये दुनिया भर में लकी चार्म के नाम से जानी जाती है।